राजस्थान में एक बार फिर से एक संत को मारने की धमकी दी गई है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ये जो शख्स जिन्होंने इस संत को मारने की धमकी दी है, उसने खुद का नाम सचिन बिश्नोई बताया है। इसके साथ ही उसने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भांजा होना भी इस जो फोन करके धमकी दी है इसमें बताया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की जो खंडार तहसील के तोपखाना स्थित जो कृष्ण कृपा धाम है उसके आश्रम बालकानंद गिरी को ये धमकी दी गई है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं ये ऑडियो जिसमें किस तरीके से धमकी देकर 20 करोड़ की फिरौती मांगी गई। हेलो हेलो हेलो, मेरे मैंने कल फोन लगाया था, आज फिर फोन लगा रहा हूँ। ठीक है, कौन बोल रहे भाई तुम? मैं सचिन बिश्नोई बात कर रहा हूँ, लॉरेंस बिश्नोई का भांजा। तो हमसे क्या लेना देना तुम्हारा? लेना देना तो ठीक है, जिंदगी चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो तो 20 करोड़ की व्यवस्था कर लो। ठीक है, अब यार साधु संतों को काहे पे परेशान कर रहे हैं बताओ ना। साधु संत तू साधु संत है? मैं तो मार दूंगा। नहीं ना, तेरी लाश जाएगी दूसरे के अंदर, बता रहा हूँ। तेरे को मैं उल्टा कर दूंगा। अच्छा हाँ, देख ले। बाबा नहीं देखे अभी, कोई वैसे मारे होंगे तो ना उठाई गिरे। मेरा सुन ले, तुझे अभी नहीं, 3 महीने से लगा रखी है। 3 महीने तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ रहा है, हैदराबाद से कहाँ से आ रहा है, मुझे सब जानकारी है। ठीक है, तू क्या कर लेगा ये बताना। मैं तो अभी ठीक है भाई, तू तो है गोगा मेडिक, कैसे मारा है? गोगा मेडिक के पास सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी भी नहीं है, तू जिसे मरेगा पता चलेगा। लॉरेंस का तो कोई आदमी हमको फोन कर ही नहीं सकता है, लॉरेंस का तो बहुत बड़ा नाम है, उनके नाम पर तुम ही गुंडे बन रहे हो। मैं सचिन बिश्नोई बात कर रहा हूँ, सचिन बिश्नोई। अरे सचिन बिश्नोई के नाम पे कोई भी बात कर लेता, सभी बिश्नोई हो रहे हैं। चल ठीक है, तेरे घर पे ना गोली चलेगी ना, दरअसल गोली, तू जान जाएगा, तेरे जान भी दो मिनट में जान बताऊंगा, तुमको उल्टा जुला दूंगा उल्टा। अच्छा फिर ठीक है, तू देख ले और मैं भी देख लूंगा। क्या देखा, टपोरी आदमी तो शेर टपोरियों से नहीं गिरते हैं। अरे सनातन का काम तो हम आज भी करेंगे, सनातन का काम को रोक नहीं सकते। हमने प्रकृति का काम किया, कोई वन भूमि को छुड़ाया, हमने कोई गलत काम नहीं किया, गायों की भूमि थी वो। तेरी जो बसाना में भूमि छुड़ाई है वो गायों की भूमि है, हमारी भूमि, हमारी भूमि को तुम कैसे उखाड़ ले जाओगे? चौराहे पे लाके मैं बोल रहा हूँ, लॉरेंस बिश्नोई का भांजे का दोस्त चौराहे पे लाके, और तू सोच रहा है कि मैं राजस्थान में क्या नाम उसको तहसील कौन सी है, खंडार तहसील है ना, खंडार तहसील में रहता है तू। चौराहे पे लाके गोली इतनी पर याद नहीं रहेगी तुझे, पुलिस प्रशासन और कलेक्टर, कलेक्टर एसपी दोनों अपनी तू है तुम्हारा एसपी। अरे तेरे से कुछ भी नहीं हो सकता। हेलो हेलो, हाँ एसपी को या कलेक्टर हो अपन ने कौन लगता भी, तो समझौता कैसे करे, खा लाए पैसे लेकर के बोल रहा हूँ, भांजा भांजे का दोस्त बोल रहा हूँ। हेलो हाँ, जो नॉरेंद्र बिश्नोई बात बिश्नोई का बात भांजा बात कर सचिन बिश्नोई के भाई का, अपनी सचिन बिश्नोई अपना भाई है बड़ा, हाँ उसका मैं दोस्त बोल रहा हूँ। आपको 20 करोड़ रुपया डालना है, नहीं डालना है, कोई डाली में आग लगा देंगे तेरी में। खा देना है भाई, खा देना है ये बताओ। मैं बता दूंगा, डिक्लेयर करूंगा कल मैं 11 बजे, तो पैसा देना जो भी बता देना, और नहीं देना तो आप अपनी अपनी फैमिली आप अपने आप को देख लो, साधु हो चाहे कुछ हो, तुम मुझे बताया तुम बहुत पैसा कमा रहे हो, 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर में जैसे भी कमा रहे हो, जैसे भी कमा रहे हो कमाओ। आपने सुना कि जो फोन करके महंत को 20 करोड़ की फिरौती मांगी गई है, फिरौती नहीं देने पर गोलियों से भूनने की भी जो धमकी है वह महंत को दी गई है। इसके बाद महंत बालकागिरी जो हैं, बालकानंद गिरी हैं, उनकी ओर से पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई गई है।
आपको बता दें कि ये जो फोन करने वाला व्यक्ति है वो शराब के नशे में फोन किया है। इसके साथ ही महंत को गंदी गंदी गालियां भी दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर महंत बालकानंद गिरी ने क्या कुछ कहा, ये भी आप सुनिए। ये समय घटनाक्रम की बात है कि हम हमारे हिसाब से अच्छे से चल रहे थे, तो ये 29 तारीख को एक हमारे पास में फोन आया, बोले मैं लॉरेंस बिश्नोई का भांजा सुनील बिश्नोई बोल रहा हूं। मैंने कहा भाई तुम क्या चाहते हो कि हम क्या चाहते हैं। उन्होंने हमको धमकाया और बोला कि आप 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था करो, अन्यथा आपके ऊपर इतनी गोलियां बरसाएंगे कि आप देख भी नहीं पाएंगे, चिथड़े भी नहीं मिलेंगे, कई तरह की बात कर। उस बात को हमने हम देखो ऐसा उसी को होता है जो काट का ही होता है, जिसको भय नहीं होता, भय तो सबको होता है, मेरा नहीं तो मेरे साथ वालों के लिए तो नुकसानदायक है ना, वो मेरे चक्कर में किसी और को हो जाए। तो वो बात हमने, हमारा थाना पड़ता है खंडा, सवाई माधोपुर में डिस्ट्रिक्ट है हमारा, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट खंडा तहसील में हमारा आश्रम है, जो हमारा आश्रम एकांत शांत और जंगल में है। हम वहां भजन के दौरान हमारे पास वो फोन आया। अब वो फोन आया तो हमने खंडार थाने में वो रिपोर्ट दर्ज करवाई, रिपोर्ट दर्ज करवाई, खंडार थाने वालों ने रिपोर्ट दर्ज करी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में उन्होंने हमारे फोन में कोई फंक्शन डलवाया कि ये फंक्शन डालो, अब जो भी फोन आएगा वो रिकॉर्ड होगा। 30 को फिर पुनः फोन आया लगभग 2 बजे के समथिंग, मैं आश्रम में अपने भक्तों से मिल रहा था, मेरे काम में व्यस्त था। जब जैसे ही फोन आया तो मैंने मेरे शिष्यों को और इनको सबको बताया, ये सब लोगों ने उसकी रिकॉर्डिंग करी और रिकॉर्डिंग करके उसके पास सारे सामान रख दिए, मोबाइल वगैरह से उसकी वीडियो भी करी, ऑडियो भी करी। उसके बाद में वह रिकॉर्डिंग हमने खंडार थाने को पुनः जमा कराई। उसके बाद में हम वहां से चल करके हमारे सभी लोगों ने हमको कहा कि महाराज जी ये सूचना आपको ऊपर तक देना चाहिए। हमने वहां पर माननीय पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर SP साहब को दिया कि सर हमारे सामने ऐसी समस्या है। SP साहब ने तत्काल प्रभाव से उसी समय हमारे साथ में एक गार्ड लगा दिया। राजस्थान में समय समय पर ये देखने को आता है कि कई गैंग के जो गुर्गे हैं वह धमकी भरे फोन करते हैं, इसके साथ ही फिरौती मांगते हैं। हालांकि इस मामले की शिकायत होने के बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इसके साथ ही जो फोन करने वाला है वह कौन है, इसकी अभी तक भी कोई जो तहकीकात है वह जारी है। ये कौन है इसका खुलासा नहीं हुआ है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या ये जो फोन करने वाला शख्स जो खुद को सचिन बिश्नोई बता रहा है, इसके तार क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, या फिर इस मामले में किसी प्रकार से जो फिरौती करने वाला जो आरोपी है उसने क्या शराब के नशे में फोन करके ये सब कुछ कारनामा है ये किया है, ये पुलिस की जांच का विषय है। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित वर्मा।